पर किसी मामले के समझौते के लिए बुलाकर शराब ठेकेदार हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर व गैंगस्टर सतीश भाऊ ने धोखे से शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को गोली मार दी। सूत्रों के मुताबिक 3 गोली चलाई गई। अर्जुन ठाकुर की पीठ तथा पेट में गोली लगी। घटना के बाद अर्जुन के समर्थकों ने शराब सिंडिकेट के ऑफिस पर हंगामा कर तोड़फोड़ कर दी। शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को मारी गोली। शराब ठेकेदार हेमू ठाकुर अर्जुन ठाकुर को मारी गोली। शराब दुकान के आहते को लेकर हुआ विवाद। अर्जुन ठाकुर के समर्थकों ने शराब सिंडिकेट के ऑफिस पर की तोड़फोड़। स्कीम नंबर 74 स्थित शराब ठेकेदारों के कार्यालय सिंडिकेट में शराब ठेकेदारों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान हेमू ठाकुर ने अर्जुन ठाकुर को गोली मार दी। घायल अर्जुन सिंह को उपचार के लिए राजश्री अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल अर्जुन की हालत स्थिर बनी हुई है। वही घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुन के समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर एकत्र होना प्रारंभ हो गए। शराब सिंडिकेट की बैठक में गैंगस्टर सतीश भाऊ भी उपस्थित था। सूत्रों के अनुसार दोपहर शराब ठेकेदारों की बैठक के दौरान किसी बात को लेकर हेमू ठाकुर और अर्जुन ठाकुर के बीच बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी हेमू ने अपनी बंदूक से अर्जुन पर फायर कर दिया। गोली अर्जुन के पेट में लगी। गोली चलने के बाद वहाँ हड़कंप मच गया। वारदात के बाद आरोपी हेमू मौके से फरार हो गया। वहीं घायल अर्जुन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वारदात की सूचना पर विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 युवकों को हिरासत में लिया। 2 दिन पूर्व घायल अर्जुन का किसी अन्य ठेकेदार से विवाद होने की जानकारी भी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अर्जुन के समर्थक बड़ी संख्या में शराब सिंडिकेट के ऑफिस पहुंचे व वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एडिशनल SP राजेश रघुवंशी ने स्थिति को काबू में किया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सिंडिकेट ऑफिस पर हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। वहीं SFL की टीम ने भी घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के लिए बुलाया गया। SP आशुतोष बागरी ने मीडिया से चर्चा में आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया। बागरी ने कहा, आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक करने से वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। वही शराब दुकान के सिंडिकेट ऑफिस पर तोड़फोड़ करने वालों को भी CCTV से पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ मौके पे, यहाँ पे शराब ठेकेदारों का सिंडिकेट का ऑफिस है। इनकी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के दौरान कुछ विवाद हुआ और उसमें जो है गोली चली। इसमें कि एक अर्जुन ठाकुर हैं, वो घायल हैं, उनको राजश्री अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनसे देहाती नालसी ले ली गई है और देहाती नालसी के आधार पे हम लोग असल कायमी कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे साक्ष्य हैं उसको संकलित करने के लिए FSL टीम को बुलवाया गया है। FSL की टीम अभी थोड़ी देर में बस पहुँचने वाली है, जो यहाँ से ज़रूरी साक्ष्य हैं जो कि विवेचना के लिए और अपराधी को सजा दिलाने के लिए ज़रूरी होंगे वो संकलित कर रहे हैं और आगे जो है मामला इसमें कायम किया जा रहा है।